तो इसके बाद अब यहाँ से हम जो है ना अपना अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अच्छा, हमने प्रीवियस सेशन में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि जी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या, और इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझने की हमने कोशिश की थी। आज हम उसको प्रैक्टिकल वे से, या अपने जो कोर्स आउटलाइन है उसका हम मतलब जो है ना आगाज करने लगे हैं और उसको हम देखने लगे हैं कि वो चीजें क्या होती हैं। मैं आपके सामने जरा स्क्रीन शेयर कर दूं और आपके साथ वो जो डेटा है ना वो थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं। होप सो कि आपको स्क्रीन सारी ये नजर आ रही होगी। मैं ये अच्छा यार, कोई एक सीआर या कोई ना एक अपनी वीडियो ऑन कर ले और मुझे मतलब इशारे से बता दे कि अगर कोई चीज कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं, कि मतलब ओके इसका मतलब होता है ओके, अगर मुझे बोल देंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी आवाज जो है कमजोर हो रही है। कोई भी वॉलंटियरली। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपके पास कोर्स आउटलाइन खुली हुई है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की है। हमने जो स्टार्ट करना है ऊप को, उसमें हमने ये जो सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए ना, ये 1 2 3 4 5, ये मैंने आपको फाइल सारी पूरी दी हुई है, यानी कि इसको हमने देखा था, पढ़ना भी देखा था कैसे इसको पढ़ना है। और ये जो हमारे टॉपिक्स है ना इनको हमने एक करके कवर करना, कैसे कवर करना है वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकलिटीज में होगा या वो थ्योरेटिकली होगा, वो चीजें हम जो है ना साथ साथ देखते रहेंगे। अभी देखें यहाँ पे हम लिखा हुआ जी इंट्रोडक्शन टू क्लास ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग, इनको हम देखें कि जी ये क्या चीजें हैं और ये मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनका क्या इस्तेमाल है, और हम इनको इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी या प्रोग्रामिंग स्किल जो है प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं या प्रोग्रामिंग स्किल अपनी इनहांस कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ जी अपने कंपाइलर की। माइंड में रखिएगा, हम जो ये जो टर्म्स है ना, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, इसके बाद मतलब मेंबर फंक्शन और ऐसी कुछ भी चीजें, ये सारी चीजें हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक और बात कि ये मेरे पास आपके वो जो कोर्स की बुक है, मतलब जो आपने पढ़नी है ये थ्रू आउट द कोर्स, वो भी खुली हुई है। उसका थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले दो चैप्टर उसमें सिर्फ बेसिक्स बताई हुई है प्रोग्रामिंग की और कंप्यूटर की हिस्ट्री बताई हुई है। यहाँ से आपका बाकायदा आगाज होता है जो आपका कोर्स है उसका, यानी ये देखें इसी बुक को ही फॉलो करते हुए मुमकिन है। अगर मैं आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा वो सारी हो सकता है इस बुक्स में, बुक में भी हो, मतलब बुक हेल्पफुल होगी उस मामले में, और कुछ सिनेरियो को ट्विस्ट करके, और इंडिविजुअली आपका मेरे साथ एक लिंक होगा, आपके जो भी असाइनमेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मतलब सेंड करेंगे, उसको फिर चेक करके जो भी आपके अगर कोई क्यूरीज होंगी तो इंशाल्लाह हम उसको मोबाइल पर भी करेंगे। और ये सेशन भी हमने इसी वजह से रखा है, और इन केस अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप वो मेरे साथ इंडिविजुअली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं हतुल इम्कान कोशिश करूंगा कि आप उस पे जितना हो सके काम मदद कर सकें। अच्छा जी, अब मैं कंपाइलर पे जाने लगा हूँ और हम जो है ना अपना ये जो चीज़ें हैं इनको प्रैक्टिकली देखते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। लें जी, इस टाइम हम अपने कंपाइलर पे हैं। सबसे पहले तो हमने लास्ट क्लास में जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी वो ये थी कि हमने क्लास को अंडरस्टैंड किया था कि क्लास क्या होती है। तो अभी मैं अपनी जो सारी बात है वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से मैंने छोड़ी थी। देखिए, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दो मेन चीजें हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो के कह लें कि बुनियादी चीजें हैं जो कि इसकी एबीसी हैं। पहली चीज है जी क्लास, दूसरी चीज है ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है या क्लास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास की आपके पास, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्लास आपके पास एक पूरे मैप की तरह होती है। जस्ट अ मिनट प्लीज, स्क्रीन शायद शेयर नहीं हो रही आपके साथ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही शायद आपके साथ। मैं स्क्रीन जो है ना दोबारा जी शेयर कर लूँ आपके साथ। हाँ जी,
तो हम बात कर रहे थे क्लास एक मैप की तरह होता है, एक नक्शे की तरह होती है। जब आपके पास एक क्लास आ जाए, एक नक्शा आ जाए, तो आप उस नक्शे पे मुख्तलिफ चीजें जो है, मतलब जिसका नक्शा बना हुआ है, आप वो चीजें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास घर का नक्शा आया, तो आप उस नक्शे के ऊपर 100 घर तमीर कर सकते हैं, 1000 घर तमीर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास क्लास किसी गाड़ी का कोई नक्शा बना हुआ है, तो उसके साथ आप काफी गाड़ियां बना सकते हैं। अब इंडिविजुअली जरा कंसेप्ट को समझें। फर्ज करें आपने गाड़ी का नक्शा बनाया हुआ, क्या मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या आप उस गाड़ी के नक्शे को ड्राइव कर सकते हैं? आंसर सिंपल है कि नहीं कर सकते। नक्शे को ड्राइव नहीं किया जा सकता। नक्शा जस्ट एक प्रोटोटाइप, सॉरी प्रोटोटाइप नहीं, एक किस्म की बस आउटलाइन होती है, या उसका बताया होता है कि ये चीज ऐसे ऐसे बनेगी और ऐसे ऐसे ये चीजें हैं। उसको ड्राइव करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब उस कार को, उस कार से, कार के नक्शे से उस कार को बनाना पड़ेगा। अब जब वो कार बनेगी, उसको हम ड्राइव कर सकते हैं, और जो हमारे पास वो कार है, वो उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया जी। अब हम जरा इसको प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट की क्लास होगी, मतलब स्टूडेंट उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। क्लास की सिंपल डेफिनेशन ये है कि अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई है, उसके साथ आप 30 स्टूडेंट बना सकते हैं, 100 स्टूडेंट बना सकते हैं, जो डिफरेंट नेम के और डिफरेंट रोल नंबर हो उनका। और हमने ऑब्जेक्ट में देखा था कि जी ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है जी उसकी मतलब उसकी खसूसियत या उसकी प्रॉपर्टी, या उसका कह लें कि जी स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसका CNIC, उसका कह लें जी क्लास, उसका डिसिप्लिन, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी खसूसियात है स्टूडेंट की। दूसरा होता है जी उसका बिहेवियर, स्टूडेंट कर क्या क्या सकता है। वो क्लास में इनरोल हो सकता है, क्लास में बैठ सकता है, क्लास में उसकी अटेंडेंस होती है, उसे कोर्स असाइन हो सकते हैं, ये सारी चीजें जी आपके पास आती हैं। हम बड़ी ही बिगिनिंग लेवल पे सिंपल एक क्लास बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट के सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका नेम और उसका रोल नंबर। अब जरा मैं मेरे कंपाइलर पर मेरे साथ ये कि देखिए मैं कोडिंग करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड, ये हमारे पास वो बिल्ट इन लाइब्रेरी थी जो हम सबसे पहले यूज करते हैं, आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम लाइब्रेरी क्या करती है, अभी बेसिकली बस इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, इस पे हमने बात करनी है नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में जाके। अभी के लिए बस यही समझ लें कि आयो स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को हैंडल करने की एक पूरी बिल्ट इन लाइब्रेरी है। इसमें बिल्ट इन फंक्शन है जो कि इसको मतलब करते हैं, वो लेके चलते हैं अपने साथ। उसके बाद मैं बात करने लगा यूजिंग नेम स्पेस। यूजिंग नेम स्पेस इस पे भी हमने बात की थी। यूजिंग नेम स्पेस क्या है कि जी ये एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे पास सी इन और सी आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट, इसको यूज करने के लिए हम एक मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पे मैं क्लास बनाने लगा हूँ। क्लास बनाने का सबसे पहले तरीका क्या है कि आपने क्लास रिजर्व कीवर्ड लिखना है। देखिए सारे स्मॉल वर्ड है, कोई भी कैपिटल नहीं है इसमें। क्लास के बाद आपने क्लास का नेम लिखना है। मैं लिख रहा हूँ जी स्टूडेंट, क्लास का नेम है। अब देखें यहाँ क्लास की ये कन्वेंशन है, मतलब कह लें कि जी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि क्लास लिखते वक्त आप ऐसा करें, उसका पहला जो वर्ड है ना वो हमेशा कैपिटल रखें, छोटा भी रखेंगे तो गलत नहीं होगा। पर ये कन्वेंशन है जो कि कह लें कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंसिड्रेशन है, इसको अगर आप रखेंगे तो आप वो इंश्योरिटी होती है कि जी आपके जो एरर है वो कम से कम आएंगे। इसके अलावा अगर आपने मतलब स्टूडेंट दो वर्ड का मतलब लिखना, जैसे आप कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट इन रोल कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो उसको ऐसे ही आप बगैर स्पेस के इसका जो दूसरा वर्ड आएगा ना, जैसे ये वर्ड है ई आया, इसको आप कैपिटल कर दें। तो फिर वक्त हम जी बस स्टूडेंट इसका नाम रख रहे हैं, और आपने क्या करना है इस पे ये ब्रेसिस लगा देनी है। बस ये समझ लें कि जी आपका वो कागज का टुकड़ा तैयार हो गया जिसपे आपने वो लाइने शाइने खींचनी है, या एक नक्शा बनाना है, या कुछ भी। अब यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है। इस क्लास के अंदर मैं स्टूडेंट का बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिफाइन करूंगा कि वो उसकी खसूसियत क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर।
डेटा मेंबर किसको कहते हैं? डेटा मेंबर आपके पास जो भी उस क्लास के, ये समझ लें कि वेरिएबल है ना, उनको आप डेटा मेंबर्स कहते हैं। जो भी वेरिएबल है, मैं यहाँ पे नाम के लिए एक डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग। मतलब इसमें मैंने स्टूडेंट का नेम जो है वो प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग, और इस वेरिएबल को मैंने बोल दिया नेम, ठीक हो गया। दूसरा मैंने बोला जी इंट, और इसको मैंने बोल दिया रोल नंबर। दो वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल में मैं उसका नाम स्टोर करवा रहा हूँ और दूसरे वेरिएबल में स्टूडेंट का रोल नंबर सेव करवा रहा हूँ। अब देखें, हमने ये तो बता दिया कि एक स्टूडेंट का नाम होता है और एक उसका रोल नंबर होता है। अब उसकी फंक्शनैलिटी भी हमने डिफाइन करनी है। फंक्शनैलिटी डिफाइन करने के लिए हमें इसके फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, इसके फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, फंक्शंस को समझने के लिए एक और चीज़ समझ लें, हम ये जो फंक्शन बनाने लगे हैं इसको हम पब्लिक रखेंगे ताकि इसको आउटसाइड द क्लास भी हम यूज कर सकें। इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट है जो इससे इंटरलिंक करता है, मैं उसका भी थोड़ा सा आपको बता दूं। हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बोलते हैं, या स्पेसिफिकली अगर बात करूं C++ और जावा में बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर ये डिफाइन करते हैं कि आपका ये जो डेटा है ये कहां तक यूज होगा। ये आप सिर्फ विद इन अ क्लास यूज करना चाह रहे हैं, विद इन अ क्लास से क्या मुराद है, यहां तक यूज करना चाह रहे हैं या इसको क्लास के बाहर भी यूज करना चाह रहे हैं। जैसा हमने एक वो प्रॉब्लम पढ़ी थी जिसमें लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का एक कंसेप्ट था, ये उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए है। हम ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऐसे बनाएंगे कि अगर इन फंक्शन को एक्सेस करना है ना, तो हम एक पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट के जरिए इसको मतलब एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सेस स्पेसिफायर होते कितने किस्म के हैं? एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास होते हैं जी तीन टाइप के, ठीक है। तीन टाइप कौन कौन सी हैं? एक है पब्लिक, उसके बाद एक आता है हमारे पास प्राइवेट, और तीसरा हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड। अच्छा जी, तीन टाइप के हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगर आप क्लास में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। प्राइवेट से क्या मुराद है कि ये क्लास के बाहर यूज नहीं होगा। प्रोटेक्टेड की हम बात नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके करेंगे जब हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ दो जो एक्सेस स्पेसिफायर है उनको यूज करेंगे, एक हमारे पास प्राइवेट है और एक हमारे पास पब्लिक है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर एक डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ पब्लिक। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, आपने जस्ट पब्लिक लिखना है यहाँ पे और आगे कॉलन लगाना, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एक पब्लिक एरिया है, इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो आउटसाइड द क्लास वो एक्सेसिबल होंगे। अब देखें जी जरा, मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं जी मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या करते हैं? मेंबर फंक्शन सेम एज इट इज वो फंक्शन होते हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए या इसके बिहेवियर को मतलब कह लें डिफाइन करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं। अब मेंबर फंक्शन में सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ऐसा एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि ये नेम सेट करे और साथ ही रोल नंबर भी सेट करे। यानी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन बनेगा जो कि वैल्यूज सेट करेगा। तो मेंबर फंक्शन हमारे पास मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, मैं इनमें से दो फंक्शन बना रहा हूँ। पहले तो मैं बना रहा हूँ सेट फंक्शन। सेट फंक्शन, सेट फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे पास इसके जो नाम है और रोल नंबर है वो सेट करेगा। उसके लिए मैं कह रहा हूँ वाइड, हमारे पास डेटा टाइप है, जस्ट अ मिनट प्लीज, वाइड
और इसको मैंने बोल दिया सेट। सेट फंक्शन को चलने के लिए दो पैरामीटर चाहिए, वो पैरामीटर कौन कौन से चाहिए, उसको एक चाहिए जी स्ट्रिंग एन यानी स्ट्रिंग नेम, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ जी उसको इंट रोल नंबर या इंट आर उसको चाहिए चलने के लिए। ठीक हो गया जी। अब जरा देखते हैं कि मैं वो ये जो हमारे जो नाम है उनको कैसे मतलब मैं सेट करवाऊंगा। अब मैं कह रहा हूँ कि नेम के अंदर क्या वैल्यू सेट करवा दो, नेम के अंदर ये वाली जो वैल्यू एन में होगी ना ये वाली स्टोर करवा दो। इसको मैं यूज करके आपको बताऊंगा, अभी अगर फ्यूचर का समय नहीं आ रही तो पेशेंस रखें, ये चीजें मैं आपको क्लियर करवा के ही आगे जाऊंगा। उसके बाद रोल नंबर के अंदर मतलब ये वाला जो हमारे पास वेरिएबल है रोल नंबर, इसके अंदर आप ऐसा करो ये वाला जो आर यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ना वो सेट करवा दो। कंट्रोल सेव, यहां तक हमारा फंक्शन जो है वो मतलब बन चुका है। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ जी गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या करेगा, गेट फंक्शन ये करेगा कि इसके पास ये जो वैल्यूज दी हुई है ना ये प्रिंट आउट करवा देगा। उसके लिए मैं फिर वाइड डेटा टाइप रख रहा हूँ और मैंने कहा जी गेट, गेट में मैंने जाके यहाँ सिंपली सी आउट करवा दिया। सी आउट क्या करवाया, मैंने सबसे पहले कहा नेम इज और यहां पे मैंने करवा दिया प्रिंट नेम और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर एंड लाइन, इसका मतलब है एंड लाइन मतलब अगली लाइन में अब लिखना है। ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर सेम मतलब वही काम कर रहा है कि यहां से जो कंकैटिनेशन होती है ना स्ट्रिंग की वो करवा रहा है। ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के साथ सबसे पहले ये प्रिंट होगा, फिर इस स्ट्रीम इंसर्शन के साथ ये नेम प्रिंट होगा, फिर इसके बाद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर फिर एंड लाइन आएगा, फिर इसके बाद एंड लाइन के बाद आप स्ट्रिंग लिख दें रोल नंबर इज स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे रोल नंबर लिख दें और यहाँ पे इसको बंद कर दें और ये हमारे पास गेट का फंक्शन भी डिफाइन हो गया। ठीक हो गया जी। अब जरा हम मेन में जाके यहां तक हमने अपनी पूरी क्लास या कह लें कि पूरा एक नक्शा जो बनाना था या जो मैप बनाना था वो बना लिया। मैंने कहा आपने गाड़ी का मैप बना लिया, आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब वो मैप को ड्राइव नहीं कर सकते। आपको अगर ड्राइव करना है तो उस मैप से एक गाड़ी बनानी पड़ेगी, उस गाड़ी को आपको ड्राइव करना पड़ेगा। तो हम इसी तरह एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब हमने स्टूडेंट के पूरे लवाजमात लिख लिए, हमने ये कहा कि जिस स्टूडेंट में ये प्रॉपर्टीज है ये उसकी फंक्शनैलिटी है, इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं अब उस ऑब्जेक्ट को बनाने की तरफ जा रहा हूँ और ऑब्जेक्ट ये समझ लें कि हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम मेन में ही बनाएंगे, मेन में ही बनाएंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करवाना होता है तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें मेन फंक्शन में ही सारे काम करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन जो हमारे पास है वही सारा यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले आपने क्लास का नेम लिखना होता है और ऑब्जेक्ट का नेम जो भी आप रखना चाह रहे हैं वेरिएबल वो लिखना होता है। मुझे पता है जी मेरी क्लास का नाम है जी स्टूडेंट, जिसका पहला एस मतलब वर्ड जो है वो कैपिटल है, बाकी मतलब सारे स्मॉल है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसका मतलब मैंने इसको बना दिया एस वन द स्टूडेंट वन। एस वन हो सकता है ये पूरा वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी या किसी का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। तो एस वन मैंने यहाँ पे लिखा और अब मैंने अगर इन फंक्शन को एक्सेस करना है, मैंने कहा था कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस हो सके, अदरवाइज नहीं एक्सेस हो सकते। जो भी इसके पब्लिक फंक्शन है वो मेन में इसके साथ ही एक्सेस हो सकते हैं। तो मैं जैसे ही एस वन और डॉट का ऑपरेटर यूज करता हूँ, देखिए इसके पब्लिक में जो भी पड़ा हुआ है ना वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं गेट का फंक्शन यूज करता हूँ तो गेट के फंक्शन में हमें कोई वैल्यू जो है वो नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि अभी हमारे नेम और रोल नंबर में कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, तो सबसे पहले हमें सेट करनी पड़ेगी वैल्यू। सेट करने के लिए हमें दो पैरामीटर चाहिए और यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का नाम मैं मतलब लिख रहा हूँ जी यहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा। ठीक हो गया। और दूसरा पैरामीटर इसका जो भी मतलब इसका रोल नंबर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारे पास वैल्यू सेट हो गई है। अब देखें जरा टेक्निकली हो क्या रहा है। जैसे ही मैंने ये सेट का फंक्शन कॉल किया, ये वाला फंक्शन कॉल होता है और इस वैल्यू की जगह गुलाम मुस्तफा लिखा जाएगा और इस वैल्यू की जगह
12 लिखा जाएगा, ठीक हो गया। मतलब देखें वो कह रहा है कि आपके पास ये जो नेम है ना, ये वाला नेम, ये इसके अंदर n वाली वैल्यू स्टोर करवा दो। यहाँ क्या पड़ा हुआ था, गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा नेम में लिखा गया, और यहाँ रोल नंबर क्या लिखा हुआ था, ये रोल नंबर में वो कह रहा है कि ये वाली वैल्यू स्टोर करवा दो, मतलब ये रोल नंबर है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ था 12, और तो यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर में 12 आ गया। अब देखें, अब यहाँ पे अगर नेम और रोल नंबर को हम एक्सेस करें तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर मैं उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए एस वन डॉट और गेट का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और अब कंपाइलर रन करने लगा हूँ F11 की मदद से, और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। बिंगो, देखें ये आपके पास आउटपुट आ गई जी, नेम इज गुलाम मुस्तफा एंड रोल नंबर इज 12। ये स्पेसिंग जरा थोड़ी सी मसला आ रहा है, तो स्पेसिंग को आप वहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे के यहाँ पे तो उसको सेट कर सकते हैं। उम्मीद है जी यहाँ तक आप सबको समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं आई समझ तो पूछिएगा, बार बार पूछिएगा, मैंने कहा मैं मैसेज पे भी आपको अवेलेबल हूँ। कंसेप्ट लाजमी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके चीजें काफी कम्प्लेक्स हो जाएंगी, और जब फिर ये असाइनमेंट्स में आपको दूंगा फिर असाइनमेंट्स भी आपको समझ नजर आ मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा देखें, एक्सेस स्पेसिफायर मैंने कहा जी पब्लिक डिफाइन किया तो पब्लिक मतलब उसका सारा एरिया आएगा, अगर आपने बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं किया तो उसके लिए प्राइवेट आएगा। अब जरा देखें, मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं एस वन डॉट करता हूँ तो मेरे पास सारा पब्लिक जो उसके जितना भी एरिया ना वो सारा शो होता है। देखिए मेरे पास यहाँ क्लास के वेरिएबल नहीं शो हो रहे, उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि ये वाला हमारा पब्लिक एरिया में है और ये वाला हमारा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एरिया में वेरिएबल्स। अगर मैं इसको सारे को उठा के यहाँ से कट करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सेव किया, अब जरा देखता हूँ जी जाके अगर मैं एस वन और डॉट का ऑपरेटर यूज करता हूँ तो देखें मेरे पास वो सारे वेरिएबल भी आ गए हैं, इंट रोल नंबर और इंट नेम। ठीक है ठीक है, ये इसमें मसला कोई नहीं है, पर मतलब कहा यही रहता है कि इसको जो है ना आप यहाँ पे ही मतलब प्राइवेट एरिया में ही रखें, अगर आप इसको पब्लिक भी कर देते हैं तो देर इज नो इशू, हम कुछ सिनेरियोज ऐसे डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम जो डेटा मेंबर है उनको मतलब पब्लिक कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो भी बातें थी वो सारी जो है हमारी मतलब यहाँ पे क्लियर होती है, बस एक बात इसमें रह गई है। देखें जैसे ही हम ये चीज S1 मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हम बात कर रहे थे कि देखें यहाँ पे जैसे ही हमने ये S1 डिक्लेयर किया यहाँ पे होता क्या कि जी आपके पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है बाय डिफॉल्ट। ये टर्म जरा याद रखिएगा जी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये बार बार यूज होनी है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट जाके, बस अभी फिल वक्त यही समझ लें कि कंस्ट्रक्टर जैसे हम हमारे पास नाम से वाजे है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास नाम से वाजे है कि कंस्ट्रक्टर कोई चीज कंस्ट्रक्ट करता है। ये क्या कंस्ट्रक्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है। तो हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो इस ऑब्जेक्ट को कॉल करता मतलब बनाता है। बनाने से क्या मुराद है, बनाने से ये मुराद है कि इसकी एक मेमोरी एलोकेट करता है, उस मेमोरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट जो है वो एलोकेट मतलब एग्जीक्यूट होता है। तो कंस्ट्रक्टर को हम इन फर्दर क्लासेस हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर क्या होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस यही चीज़ है, मैं माइक ओपन करने लगा हूँ जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं जी।